लोकसभा चुनाव में अपने अकेले दम पर उतरने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती 11 अप्रैल से चुनावी दौरा शुरू करने वाली हैं। मायावती 11 अप्रैल से देश में चुनावी दौरे का अभियान शुरू करेंगी। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर से होगी। यूपी में भी मायावती 40 चुनावी रैलियां करेंगी। मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में 6 अप्रैल से चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्र कहते हैं कि मायावती बुलंदशहर या ग्रेटर नोएडा में पहली रैली कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नागपुर से चुनावी जनसभाओं का श्री गणेश करने वाली मायावती प्रदेश में 40 चुनावी रैलियां करेंगी। पार्टी सूत्र कहते हैं मायावती 12 या 13 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाएं कर सकती है। लोकसभा चुनाव के वक्त बसपा चीफ मायावती बड़ा फैसला लेने जा रही हैं। वो सधी राजनीति के तहत भतीजे आकाश आनंद को यूपी में भी फ्रंट पर लाने जा रही हैं। ऐसे में दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त रहने वाले आकाश आनंद यूपी में भी जनसभाएं करेंगे। खासकर नगीना से वो अपनी चुनावी सभाओं का आगाज करने जा रहे हैं, जहां से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने भी नामांकन किया। बसपा के वोट फीसद में पिछले चुनाव में गिरावट आई, साथ ही आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर भी दलित समाज के नेता के रूप में चेहरा स्थापित करने में लगे हुए हैं। खासकर समाज के बीच उनकी सक्रियता युवाओं को रास आ रही है। उधर बसपा चीफ भी अपने मूल वोट बैंक को लेकर अलर्ट हैं। लिहाजा समाज को नया नेतृत्व देने के साथ साथ युवाओं को साधने के लिए आकाश को चुनावी रण में उतारने का फैसला किया है। बसपा सूत्रों के मुताबिक 6 अप्रैल को आकाश आनंद नगीना में पहली जनसभा करेंगे, साथ ही अन्य सभाओं का भी जल्द शेड्यूल जारी होगा। एमपी में 2023 में आकाश आनंद से पत्रकार ने सवाल पूछा था, क्या भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को चुनौती के तौर पर देखते हैं? तब उन्होंने कहा था कि कौन भीम आर्मी, हम नहीं जानते ऐसी किसी चीज को। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर को पहचानने से इनकार कर दिया था, साथ ही कहा था कि ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसके बाद चंद्रशेखर ने भी पलटवार किया था। जाहिर है नगीना में आकाश आनंद की जनसभा से चुनावी तपिश बढ़ेगी। मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में 6 अप्रैल से चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आकाश की पहली चुनावी सभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र में होगी। आकाश आनंद 6 अप्रैल को सुरक्षित सीट नगीना में सभा करेंगे। 7 अप्रैल को बुलंदशहर के खुर्जा और गाजियाबाद के साहिबाबाद में आकाश चुनावी सभाएं करेंगे। 8 अप्रैल को बरेली, 11 अप्रैल को मथुरा और आगरा, 13 को हाथरस, 17 अप्रैल को सहारनपुर कैराना में प्रस्तावित है। इस बीच आकाश की दूसरे राज्यों में जनसभाएं होंगी। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी। 7 चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शनिवार को पूरी होने के बाद 19 अप्रैल को वोटिंग है। आखिरी यानी 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।